नमस्कार दोस्तों, द हिंद एम्पायर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं तपोस्थली, साहिब जी बाबा की तपोस्थली। मैं कुछ मेरे बैक साइड में दिखाना चाहूँगा कि जो ये वाला जो रोड है, ये वाला है दिल्ली जयपुर मेगा हाईवे रोड। अगर जो कोई भी भक्त इस तपस्वी स्थान पर आना चाहता है तो जयपुर से अगर जो यहाँ की हम दूरी देखें तो करीब करीब 185 किलोमीटर पड़ती है, और अगर कोई भक्त दिल्ली की तरफ से यहाँ पर आना चाहता है घासोली गांव के अंदर इस तपोस्थली पर, तो 141 किलोमीटर पड़ता है। यहाँ पर बहुत ही लक्खी मेला भरने वाला है, जो कि 4 तारीख को लक्खी मेला भरेगा। और जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बोर्ड भी दिखाऊंगा कि श्री श्री 1008 श्री साहिब जी महाराज मंदिर घासोली क्षेत्र। तो आइएगा, मेले की क्या तैयारियां चल रही है इस चीज़ के बारे में हम जायज़ा लेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए हम उस गांव के अंदर चलते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, कल का मेला है, यहाँ पर बहुत ही लक्खी मेला भरता है, और यहाँ पर मेले की तैयारियाँ भाई लोग जोर शोर से कर रहे हैं। आपसे कल की तैयारी के लिए समोसे, कचौरी, जलेबी, लड्डू, बूंदी वगैरह बनते हैं यहाँ पे, कल से ज़्यादा मशहूर रहती हैं जलेबी और लड्डू का काम ज़्यादा होता है। मैं जानना चाहूँगा कि जो भी बाहर से लोग आएंगे साईं जी बाबा के यहाँ पर, तो कौन कौन सी मिठाइयाँ बना रहे हैं, कैसा प्रसाद तैयार कर रहे हैं? मैं भी यहाँ पे जानता हूँ कि जो साईं जी बाबा की मिठाई के लिए भी सभी प्रचार के लिए यहाँ पर हैं, जलेबी मिलती हैं, लड्डू मिलते हैं, बर्फी, कलाकंद भी, सभी पकौड़ी, जलेबी वगैरह सारा कारण पर मिल जाता है, सभी उपलब्ध रहता है। हाँ जी, प्योर शुद्ध, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा मशहूर होती है यहाँ पे जलेबी, पकौड़ी बिकती है मेले में सबसे ज़्यादा। भैया, मेरा नाम सुनील है, मैं इस दुकान का मालिक हूँ। त्रिवेणी मिष्ठान भंडार हमारी दुकान है चिकानी में, जो कि हम मेले में आए हैं अपनी मिठाई की दुकान लेकर, जो काफ़ी शुद्ध मिठाई है, जो भक्तजनों के लिए पूरी सुविधा है इधर मिठाइयों की। हमारे पास बर्फी है, कलाकंद है, मोतीचूर के लड्डू है, बूंदी है, बालूशाही है, लड्डू पतीसा है। बोलिए साहिब जी बाबा की जय। मेरा
सभी भक्त जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सभी भावपूर्ण साहिब जी बाबा की अखंड ज्योत के दर्शन करें। सभी भक्तों पर साहिब जी बाबा की कृपा बनी रहे। ये साहिब जी का दरबार है और कल यहाँ पर बहुत ही लक्की मेला भरने वाला है। सभी भक्तों को मैं भावपूर्ण दर्शन कराऊं। भैया थोड़ा सा साइड में हो जाएं। यहाँ पर फूलों के द्वारा काफ़ी खूबसूरत सजावट की जा रही है और इस अखंड ज्योत के सभी भक्त भावपूर्ण दर्शन करते जाएं। बैठ बैठ बोल देना भैया। सभी भक्त इस वीडियो के साथ जुड़ते जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर कल लक्खी मेला भरने वाला है और उसी मेले की उपलक्ष पर हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर आज मेले की फुल तैयारी की जा रही है। और ये फूल वाले भाई साहब हैं जो कि यहाँ पर रजनीगंधा के फूलों के द्वारा सजावट की जा रही है। भैया जय साहिब जी बाबा की। ये देखिएगा अखंड ज्योति है बाबा की, जो कि करीब करीब 500 वर्ष से चली आ रही है। यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 4 तारीख को लक्खी मेला भरने वाला है। उस मेले की तैयारियाँ यहाँ पर बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। काफ़ी भक्त आ रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं और सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। भरने वाला है जो कि 4 तारीख को लक्खी मेला कल की तारीख में भरेगा। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तैयारियाँ हैं मेले की। जगह जगह फूलों की सजावट की जा रही है, काफ़ी दुकानें प्रसाद के लिए लगी हुई है। तो यहाँ के जो महंत जी हैं, हम उनके आपको सर्वप्रथम भावपूर्ण दर्शन कराएंगे, अखंड ज्योति के दर्शन कराएंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पर जो कल का मेला भरने वाला है उसमें जो बाहर के यात्री हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है इस मेले के उपलक्ष में। क्योंकि लगातार ये जो मेला है 2 दिवसीय मेला है। महाराज जी 2 दिवसीय ना, 2 दिवसीय मेला है और इस मेले के अंदर काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो हम महाराज जी जय साहिब जी बाबा की, मैं जानना चाहूँगा कि जो कल से मेला अपना भर रहा है उसमें क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं। जो बाहर से सेवक आएंगे इस मेले में, एक तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उन सेवकों के लिए रहने की सुविधा, प्रसाद की सुविधा, हर उनको सुविधा जितनी होगी मेले में उनको सारी सुविधा दी जाएंगी और बाबा के दर्शन होंगे। रात्रि का बाबा का जागरण है, रात्रि को बाबा की सवारी आएगी। महाराज जी मैं जानना चाहूँगा, जो बाबा की सवारी और जागरण की कह रहे हैं, ये कितने तारीख को प्रोग्राम होने वाला है। ये कल 4 तारीख का प्रोग्राम है, 4, 5 और 6 तारीख का समाप्त मेला होता है। अच्छा, कोई भी बाबा का भक्त अगर कोई दूर से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई जयपुर से आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बॉम्बे तक से आते हैं यहाँ पर, तो उनके लिए ठहरने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे। उनके लिए बाबा के मंदिर में कमरे बने हुए हैं, गद्दे लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, उनकी नहाने की, धोने की हर चीज़ की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी और है बाबा के पास, यहाँ कोई सेवक नहीं रुक पा सकता। रात्रि को विश्राम के लिए भी कमरे खुलवाए जाएंगे। अच्छा, सारी सुविधा रुकने की
खाने पीने तक की सारी सुविधा दें। इसकी सुविधा है, खाने की, चाय की, नाश्ते की, दूध की, बच्चे जो हैं उनको दूध की, बिस्कुट की, हर चीज़ की सुविधा बाबा के मंदिर में उपलब्ध है। जय साहिब जी बाबा। बाबा के भक्त यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, साहिब जी बाबा के भक्त, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि यहाँ पर मेले की तैयारी में आप क्या क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं। यहाँ पर लगातार मैं देख रहा हूँ कि भाई के देखो ललाट पर भी पसीने आ रहे हैं काफ़ी, और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। सर शुभ नाम अपना? विष्णु शर्मा। जो महाराज जी ने क्या व्यवस्थाएं दे रखी है? महाराज जी ने हर प्रकार की व्यवस्था करी, जैसे हम जयपुर से आए हुए हैं तो हमें रुकने की सारी व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने के लिए भंडारे चलाए हुए हैं, रहने के लिए कमरे खुलवा रखे हैं, पंखे लगे हुए हैं, लाइट पानी की सबकी व्यवस्था, ऐसे ही कोई असुविधा नहीं है जिससे हमें यहाँ रुकने में, हम एक दिन पहले आते हैं मेले से और एक दिन आज भी रुकेंगे और कल भी रुकेंगे, परसों हम जाएंगे मेला देखने के बाद ही जाएंगे। कल रात को बाबा का जागरण होगा, फिर रात्रि 12 बजे बाबा की जो सवारी आती है हम उसके दर्शन करते हैं, उसके बाद दूसरे दिन हम यहाँ से जाते हैं दर्शन। जय साहिब जी बाबा। जय साहिब। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, वैसे जयपुर रहता हूँ, और मेले में यहाँ पे जो कोई भी यात्री आता है सबके लिए पूरी सुविधा दी गई है महाराज जी द्वारा, कमरे वगैरह और रहने का, सोने का, पानी और पानी की सारी व्यवस्था है यहाँ पर। दिखाना चाहूँगा कि जो ये रेलिंग लग रही है इधर, इस तरह से पाइप लगा रखे हैं यहाँ पर, जो भी साहिब जी बाबा के दर्शन करेंगे ताकि उनको कोई असुविधा नहीं हो, इस वजह से ये पाइप वगैरह यहाँ पर लगाए हुए हैं। और इसमें 12 महीना इसी तरह से पानी भरा रहता है। और ये जो मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं, ये वाला जो साहिब जी का मंदिर है, ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और मैं कुछ साहिब जी के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा कि साहिब जी बाबा ने यहाँ पर बहुत ही तपस्या की है। और इसके जो दूसरा स्थान दिखाऊँगा, वहाँ पर साहिब जी बाबा ब्रह्मलीन हुए थे, जैसा कि ये सर्वर के परली तरफ को है वो जगह, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन जहाँ पर साहिब जी बाबा ने अखंड तप किया था, वो जगह जो मेन दरबार है वो ये मंदिर है। बड़ा लक्खी मेला भरेगा, उसकी तैयारियाँ देखिएगा किस तरह से, खिलौनों की दुकानें लग रही है। जोर शोर से चल रही है, देखिएगा बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे खूबसूरत झूले लगाए गए हैं। यहाँ पर कुछ आइटम बच्चों के हैं जो कि अंकल जी दुकान अभी तो पूरी तरह नहीं लगाई है, कल का मेला है, कल लगेगी ये दुकानें। देखिएगा दोस्तों, पीथू जी महाराज जी के यहाँ पर इस समाधि स्थल पर, यहाँ पर कल का बहुत ही लक्खी मेला भरने वाला है, और उसकी तैयारियाँ, यहाँ पर महिलाएं भी पीछे नहीं हैं, तैयारियों में जुट रहे हैं, काफ़ी भक्त दूर दूर से आ रहे हैं। जय साहिब जी बाबा की। वो साहिब जी महाराज की जय। देखिएगा दोस्तों, साहिब जी बाबा की, पीथू महाराज जी के नाम से लोगों में जोश देखिएगा, जनून देखिएगा। आज की युवा पीढ़ी में आस्था के प्रति कितना समर्पण है। और ये जितने भी भाई मैं दिखा रहा हूँ, ये सब यहाँ भक्त आए हुए हैं बाहर से, और सभी सेवा दे रहे हैं, दूर दूर से यहाँ पर भक्त आए हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जैसे मेरे समक्ष हैं सर, अपना शुभ नाम जानना चाहूँगा। जी मेरा नाम मोहित अग्रवाल है। मोहित जी कौन सी जगह से आए हैं? जी हम कोसी कला मथुरा से आए हैं। मथुरा से आए हैं जी, कोसी कला। कोसी कला जी। साहिब जी बाबा के दरबार से कितने दिन हो गए आपको जुड़े हुए? जी साहिब जी महाराज के धाम से तो हमें जन्म हुआ है, हमारा जन्म से, हमारा जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले से हमारे पूर्वज बाबा परदादा आते रहे हैं, और सारे लोग जैसे वो प्रथा निभाते आए हैं ऐसे ही हम निभाते रहे हैं, और हमारे आगे भी पीढ़ी निभाती रहेगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि कल का बहुत ही लक्खी मेला भरने वाला है, तो इस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा कि आप क्या तैयारी करके आए हैं? जी हमारा हर साल जो है विशाल भंडारा होता है,
देसी घी का भंडारा होता है, जिसमें कि पूरी प्रसाद है, बूंदी का प्रसाद है और दाल चूरमा बाटी, अनेक प्रकार के 56 भोग लगते हैं बाबा के। और साहिब जी महाराज का लंगर भरा रहता है, लोगों के लिए तांता लगा रहता है। और हम उनकी सेवा में जो गांव से दूर दूर से पब्लिक जो लोग आते हैं उनके लिए हम सेवा में हाजिर रहते हैं, ताकि उनको परेशानी ना हो सके, उनको प्रसादी मिल सके। जय साहिब जी बाबा की। और पीतू बाबा, एक भक्त हैं जो कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर पीतू बाबा के यहाँ पर समाधि स्थल पर सेवा दे रहे हैं, जिनका मैं समक्ष आपको भावपूर्ण दर्शन करा रहा हूँ। तो इनसे भी जानूँगा कि कल का बहुत ही लक्खी मेला भरने वाला है, हर जगह से जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे तक से लोग यहाँ पर इस मेले के अंदर भावपूर्ण साहिब जी बाबा के दर्शन करने आते हैं, पीथू जी के दर्शन करने आते हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा, इनका नाम प्रेम जी है, और मैं इनसे प्रेम जी से जानना चाहूँगा। प्रेम भगत जी, जय साहिब जी बाबा की। मैं जानना चाहूँगा कि कल के लिए क्या क्या तैयारियाँ हैं। कल के लिए भंडारा भी है, प्रसादी भी है, लोग बाग एतवार का साहब जी का वार है, एतवार के दिन शुरू से ही आते हैं। अब आप नो करो समाधि स्थल, समाधि के शरीर को साथ लेके चले गए थे, समाधि रही कहाँ है? तो भगवान का ही अवतार है, रात को 12 बजे सवारी आती है, हमेशा शुरू से ही 12 बजे। मैं इस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ कि एक आपने क्वेश्चन रखा है कि उनकी समाधि तो वो साथ ही लेके चले गए थे, इस चीज़ के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, शरीर को साथ ले गए थे, लीले घोड़े पर चढ़ के आए थे और शरीर को साथ, कुछ 2004 में समाधि बनाई है, समाधि नहीं थी पहले, कोई समाधि नहीं थी, 2004 के बाद समाधि बनाई, शरीर को साथ ले गए। जय साहिब। बोलो साहिब जी महाराज की जय, बोल पीतू बाबा की जय, बोल लंगर भरने वाले बाबा की जय, बोल दादा दया राम जी महाराज की जय, बोल ज्योति निरंकार अरे की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पीतू जी के यहाँ स्थल पर हर वर्ष, ये जो मैं फैमिली दिखा रहा हूँ, ये फैमिली यहाँ पर भंडारा लेके आते हैं, और मेले के उपलक्ष पर ये कल का मेला है, बहुत ही लक्खी मेला भरने वाला है, उसके उपलक्ष पर ये भंडारा लेके आए हैं। सर, मैं शुभ नाम जानना चाहूँगा अपना। भगवत प्रसाद। भगवत प्रसाद जी गुप्ता। भगवत प्रसाद जी अग्रवाल। अग्रवाल जी। तो जो आप कोसी कला मथुरा से आए, मथुरा से आए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप भंडारा लेके आए हैं, ये कब से लेके आ रहे हैं? ये करीब हो गए 20 साल, 20 साल से बाबा की कृपा से बराबर आ रहे हैं। देखिएगा, 20 साल से लगातार हर मेले पे बाबा ये की कृपा से। अच्छा, मेला देसी घी का? हाँ, देसी घी का। क्या बात, जो बाबा की कृपा है जो करवा दे। हम सैकड़ों की तादाद में, विगत वर्षों की बात ही, इस बार भी बाबा का भंडारा हम करते हैं, बाबा कराते हैं, और हम सब लोग मिलके करते हैं। हम सैकड़ों की तादाद में कोसी कला मथुरा से आते हैं, बाबा हम पर कृपा करते हैं, उनकी कृपा से हम यहाँ पर सब लोग इकट्ठा होकर अपने तन मन धन से तीनों को मिलके बाबा का भंडारा यहाँ हम बहुत अच्छी तरीके से संपन्न करते हैं। बोल साहब जी महाराज की जय, तू बाबा की। आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।